नमस्कार मैं हूँ गजल अलग को फाउंडर मामा अर्थ मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी से कि छोटे होते मैं कैसी बची थी और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची तो मैं एक छोटे शहर से हूँ चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ वहीं पे मैं पली बड़ी मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता मेरे से पहले कभी किसी औरत ने नौकरी की थी या करियर के बारे में सोचा था बट uh, थैंकफुली uh, मेरे माँ बाप काफ़ी डिफरेंट थे uh, उन्होंने मेरे को शुरू से सिखाया था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है तो मुझे आज भी याद है कि कंप्यूटर ग्रेजुएशन ख़त्म करने से पहले uh, मैं अपने बैच की पहली बच्ची थी जिसको आ, नौकरी मिल गई थी मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिए एन उसमें से एक जगह थी वहाँ पे एक कॉरपोरेट ट्रेनर का प्रोग्राम चलाया था उन्होंने जहाँ हमें जाके जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉज़ को आ, जो सॉफ्टवेयर हमने उन्होंने उनके लिए बनाया था उसको यूज़ करना सिखाना था जिनसे उनको लाभ हो सकता था आ, आता नहीं था कभी किया नहीं था कॉरपोरेट ट्रेनिंग क्या होती है पढ़ाते कैसे हैं बिल्कुल आइडिया नहीं था बट uh, वो जिद, इंडिपेंडेंट होने की इतनी स्ट्रोंग थी कि मैंने बोला करके देखते हैं करते करते सीखेंगे अगेन uh, वो एक पहला कदम था जहाँ मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप में अगर जिद हो ना तो आप करते करते कुछ भी सीख सकते हो वहाँ से चार साल का सक्सेसफुल कोपरेट करियर बना मुझे uh, मिला फिर वो जिद आई जब मैं माँ बनी जब अगस्त्य मेरी ज़िंदगी में आया और अनफॉर्चुनेटली जब अगस्त्य पैदा हुआ था तो उसको एक स्किन कंडीशन थी जहाँ कोई भी प्रोडक्ट जब मैं उसके स्किन पर लगाती थी ना उसको इरिटेशन होती थी और वो बच्चा बहुत रोता था डॉक्टर्स के पास गई आ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मना हो गए फिर बाहर से इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर करने शुरू किए मंगाने शुरू किए और काफ़ी सरप्राइज़ हुई जब मैंने देखा कि बाहर से मैं प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ वो उसको सूट कर रहे हैं जबकि इंडिया का कोई प्रोडक्ट उसको सूट नहीं कर रहा था आ, तो वहाँ से एक आदत सी बनी कि कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले ना मैं उसका लेबल पढ़ती थी कि इसमें है क्या और जो इंडिया में प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है जो मेरे बच्चे को सूट नहीं कर टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ा मुझे ये पता चला कि इंटरनेशनली जहाँ 1500 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बैंड हैं इंडिया में कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं था कि ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला इंग्रेडिएंट आप अपने बच्चे पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो जब अपने दोस्तों से बात की ये पता चला कि वो भी प्रोडक्ट्स बाहर से ही मंगा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों को भी वो सूट नहीं कर रहा था वहाँ से मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मिला मैंने प्रोडक्ट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ये देखना शुरू किया कि जो इंटरनेशनल वाले प्रोडक्ट सूट कर रहे थे अगस्त्य को वो इंग्रेडिएंट्स क्या इंडिया में अवेलेबल थे रिसर्च पे पता चला कि सिर्फ अवेलेबल नहीं थे इंडिया से ही बाहर जा रहे थे अब तो ज़िद है कि इंडिया के कंज्यूमर की ना चॉइस बदलनी है उनको बताना है उनको सिखाना है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो बस इस ज़िद के साथ दिसंबर 2016 में हमने मामा अर्थ लॉन्च किया छः बेबी प्रोडक्ट्स के साथ आसान नहीं था काफ़ी मुश्किल था वो छः बेबी प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए कैसे होने चाहिए इसके पीछे बहुत काम किया था जहाँ कुछ 700 से 800 सौ मॉम्स के साथ मैंने खुद कनेक्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से कनेक्ट करके उनको प्रोडक्ट भेजा उनसे पूछा कि आप ये लगा के देखिए आपको कैसा अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो सारा इंसाइट लेके जब हमने छ प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया हमें थैंकफुली बहुत अच्छा फीडबैक निकला लोगों ने ये समझा कि यार ये एक ब्रांड है जो पेरेंट्स ने शुरू किया है पेरेंट्स के लिए इन्होंने ही हमें बोला कि अच्छा अब आपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं इतने बढ़िया हैं हमें बहुत पसंद है बट बच्चों को जन्म तो माँ देती है ना तो माँ के लिए प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? बच्चा तो कितनी पास रहता है माँ के शरीर से आ, तो मॉम्स के लिए भी जो है टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाइए ताकि हमें ये वाला भी डर जो है हमारे दिमाग से निकल जाए तो हमने जो है एक और रेंज निकाली जहाँ हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो तब हमने डिसाइड किया कि मामा अर्थ सिर्फ एक बेबी ब्रांड नहीं एक फैमिली ब्रांड होगा जहाँ हम बेबी केयर फेस केयर स्किन हेयर बॉडी सारी कैटेगरीज को केटर करेंगे तो वो सब कुछ करने के बाद मामा अर्थ जैसा आपको आज दिखता है वैसा लॉन्च हुआ तो मैं अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है सफल होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है हुनर या जिद क्योंकि मेरे पास हुनर तो नहीं था ना कोई बिज़नेस डिग्री थी ना मैं किसी बिज़नेस बैकग्राउंड से आती थी जहाँ मेरे को कोई एक्सपीरियंस था मेरे पास तो सिर्फ जिद थी इंडिया के कंज्यूमर की चॉइस बदलने की उनको ज़्यादा अवेयर कराने की ताकि वो अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाएँ अपने बच्चे के लिए बेटर डिसीजन ले पाए और उस जिद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ